Hello everyone, welcome back to my channel with another video of series. मैंने पहले ही सीरीज़ का एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, दैट इज़ हाउ टू क्रिएट सीरीज इन पाइथन पांडास. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑन सीरीज एंड व्हाट विल बी द आउटपुट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सीरीज पे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट किस तरह से आएगा. तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ. जिसने भी क्रिएट सीरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ताकि जब आप ये चैप्टर पढ़ो तो आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सीरीज़ क्रिएट कैसे होती है एंड आफ्टर दैट हाउ यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट दैट सीरीज़. तो सीरीज़ के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं अलग अलग वीडियो में डाल के अपलोड करती रहूँगी, ताकि आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए. क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम में 20 मार्क्स है पाइथन पांडास के लिए, जिसमें प्योरली 12 मार्क्स डेटा फ्रेम के हैं और 8 मार्क्स सीरीज़ के हैं. तो इस टॉपिक को हमें और अच्छे से करना है. जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें क्वेश्चंस की, वो हम सारा कर लेंगे. क्योंकि अगर आपने मेरा रिवाइज्ड सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो वो आप देखिए, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी. उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सीरीज़ की कितना वेटेज है और किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में इससे पूछे जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें स्टार्टिंग में तो एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है. उसके बाद ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके भी बता दूंगी, ताकि आप भी वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं. प्रैक्टिकली ट्राई करने से चीज़ों में कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत अच्छे से हमें एब्जॉर्ब हो जाता है और क्लियर रहता है कि चीज़ें किस तरह से करनी है और क्या एक्चुअली उसका आउटपुट होता है. अब अपन स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने सीरीज़ ऑलरेडी ले रखी है, जिसमें वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5. इफ़ आई एम यूजिंग दिस वैल्यूज़ इन सीरीज़ एंड इफ़ आई एम अप्लाइंग मल्टीप्लाई फंक्शन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट एस इंटू टू, वॉट विल हैपन इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग सीरीज़ विथ एनी नंबर, इट विल गिव मी ट्रू मल्टीप्लीकेशन आउटपुट. जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आएगा. जैसे मैं इसका आउटपुट भी यहाँ पे बता रही हूँ कि इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग सीरीज़ विथ टू, तो ये आउटपुट आ गया 2, 4, 6, 8, 10. तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये वैक्टराइज्ड ऑपरेशन है. वैक्टराइज्ड ऑपरेशन का मीनिंग ये होता है कि जितनी वैल्यूज़ है सीरीज़ में उन सबके साथ इंटू टू हुआ है, जो कि नहीं होता है लिस्ट में. लिस्ट में अगर मैं इंटू टू करूँगी तो वैल्यू रेप्लीकेट होगी. रेप्लीकेट मीन्स सेम वैल्यू रिपीट होगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी. अगर आपने सैम्पल पेपर देखा है तो आप ये क्लियरली, ये क्वेश्चन उसमें था कि एक लिस्ट है और एक सीरीज़ है, दोनों के साथ इंटू टू किया जाए तो दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस है एंड जस्टिफाई योर आंसर. तो वहाँ पे आपको ये क्लियर रहना पड़ेगा कि लिस्ट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू रेप्लीकेट होती है, और सीरीज़ के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू एक्चुअल में मल्टीप्लाई होती है. वैसे ही इंटू टू है, वैसे ही एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी है हमारे पास. कोई भी ऑपरेटर हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे मॉड्यूलस हो, कोई भी ऑपरेटर अगर हम सीरीज़ के साथ यूज़ करते हैं तो जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ वो यूज़ हो जाती है. ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन. अब ये नेक्स्ट वाला जो है उसमें लिखा हुआ है सीरीज़ ग्रेटर देन टू, यानी कि अगर मैं सीरीज़ की वैल्यूज़ पे ये अप्लाई करूँ ग्रेटर देन टू, तो इसमें ये होगा कि सीरीज़ में से जो भी ग्रेटर देन टू वाली वैल्यूज़ है वो मुझे यहाँ पे आंसर में दिख जाएगी. तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई बाय टू वाला आउटपुट, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है प्रिंट ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज़ बाय मल्टीप्लाइंग देम बाय टू. इस वाले में स्क्वायर आ गया क्योंकि एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ था, और इस वाले में वो वैल्यूज़ आ गई जो ग्रेटर देन टू है. मैं ये वाला जो प्रेजेंटेशन है वो अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि आप बाद में इसको रेफ़र कर सको. अब यहाँ पे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि तीन सीरीज़ आपने बना ली है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप सीरीज़ वन और सीरीज़ टू को ऐड करो, तो इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आराम से हर वैल्यू ऐड हो जाएगी. तो सीरीज़ वन सीरीज़ टू के साथ ऐड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों की इंडेक्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए. अगर इंडेक्स में चेंज होगा तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकती. या तो इंडेक्स हो ही ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होगा वो दोनों का सेम होगा. लेकिन अगर आपने इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, इट शुड बी सेम इन बोथ दी सीरीज़, जैसे मैंने इस एग्जांपल में कर रखा है.
अब जो थर्ड सीरीज है, ये चीज़ आप इससे भी समझ सकते हो, इस थर्ड सीरीज में ए बी सी डी ये चार इंडेक्स है, और अगर मैं एस वन सीरीज में देखूँ देर आर फाइव इंडेक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, एंड इन सीरीज 3 देर आर 4 इंडेक्सेस. अब इसमें ये हो रहा है कि जब मैं सीरीज 2 को सीरीज 3 से ऐड कर रही हूँ, यानी 5 इंडेक्स वाली सीरीज को 4 इंडेक्स वाली सीरीज से ऐड कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये हो जाएगा कि जो वैल्यूज़ है उसमें उसका आउटपुट मैं आपको बता रही हूँ, एन ए एन वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ई वाला मिसमैच हो गया. मिसमैच होती वैल्यू ऐड नहीं होती, और एन ए एन दैट मीन्स नॉट अ नंबर वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब सीरीज की इंडेक्स वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए. मिसमैच अगर होगा तो एन एन वैल्यू आ जाएगी. तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई जो मैंने इसमें दे ही रखा है. नेक्स्ट वीडियो में मैं हेड एंड टेल फंक्शंस जो सीरीज में यूज़ होते हैं वो एक्सप्लेन करूँगी. अब जो भी मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला पार्ट किया है वो मैं प्रैक्टिकली करके भी बता रही हूँ, ताकि आप जब इसे प्रैक्टिकली करो तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो, और आपकी प्रैक्टिकल बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम ना आए. सबसे पहले सीरीज़ क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो तो पता ही है, क्योंकि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें क्लियर दे रखा है कि अगर सीरीज़ करनी है तो सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना है. आफ्टर डूइंग इम्पोर्ट आई विल गिव वन वेरिएबल नेम, यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकती हूँ. तो सीरीज़ क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ S1 दे दिया, pd.series, जहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि सीरीज़ का S कैपिटल होना चाहिए. देन आई विल गिव द वैल्यूज़, अब मैं रैंडम यहाँ पे वैल्यूज़ ले रही हूँ, 2, 5, 8 एंड देन 3, ये मैंने वैल्यूज़ ले ली. अब मैं देख रही हूँ कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने ले लिया S1 विच इज़ द नेम ऑफ माई सीरीज इनटू 3. अब मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ ताकि इसका आउटपुट आपको क्लियर दिखे. तो ये वैल्यूज़ आ गई है इनटू 3 होने के बाद. राइट हैंड साइड में ये आउटपुट आप देख पा रहे हो, 6, 15, 24, 9, क्योंकि ये वैक्टराइज्ड ऑपरेशन है. और इसको लिस्ट से अलग करने के लिए मैं यहीं पे लिस्ट भी करके बता रही हूँ. L1 इक्वल्स टू, मैं यही वैल्यूज़ ले रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी सीरीज़ में ली है, लेकिन दोनों के आउटपुट में डिफरेंस क्लियर हो इसलिए मैं यहाँ पे सेम वैल्यूज़ ले रही हूँ. और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट इन दी ब्रैकेट आई एम राइटिंग L1 इनटू 3. अब ये जो फर्स्ट वाला आउटपुट था वो सीरीज़ इनटू 3 था, सेकंड वाला आउटपुट है वो List1 इनटू 3 है. तो मैं इसके ऊपर हेडिंग भी डाल देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें अलग अलग हम देख पाएँ. तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी दोनों के आउटपुट के बीच में, और यहाँ बीच में मैं सेंटर में ये भी टाइप कर देती हूँ कि ये जो आउटपुट आने वाला है वो लिस्ट इनटू 2 आने वाला है, ताकि जब हम देखें तो हमें क्लैरिटी रहे. और इसके नीचे जो आउटपुट आने वाला है वो है प्रिंट सीरीज इनटू 2. ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी है, इसलिए भी क्लियर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है, इससे पता चलता है कि आपका लिस्ट और सीरीज़ का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. अब मैं इसको रन कर रही हूँ. रन करते टाइम अब ये देखो, सीरीज़ इनटू 2 किया तो प्रॉपर मल्टीप्लाई हो गया, और सॉरी सीरीज़ इनटू 3 किया तो प्रॉपर मल्टीप्लाई हो गया, और लिस्ट इनटू 3 किया तो वैल्यूज़ है वो रिपीट हो गई. तो मैंने यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन में इसको करेक्ट कर देती हूँ, मैंने 3 कर दिया ताकि ये वैल्यूज़ रहे. दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि सीरीज़ का आउटपुट एक कॉलम में आया है, यानी वर्टिकल आउटपुट है, लेकिन लिस्ट का आउटपुट हॉरिजॉन्टल है. प्रिडिक्ट द आउटपुट वाला अगर क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम आउटपुट जिस फॉर्मेट में स्क्रीन पर दिख रहा है उसी फॉर्मेट में हम डिस्प्ले करवाएँ. ठीक है, ये तो हो गया मेरा जिसमें मैंने वेक्टराइज्ड ऑपरेशन करके भी बता दिया. अब इसमें मैं ये कर रही हूँ कि दो सीरीज़ क्रिएट कर रही हूँ, तो ऑलरेडी S1 तो मेरे पास क्रिएटेड है ही है. मैं एक और सीरीज़ क्रिएट कर रही हूँ, उसका नाम मैंने रखा है S2 और pd. अब मैं सीरीज़ के साथ सीरीज़ का ऑपरेशन करवा रही हूँ, तो सीरीज़, और यहाँ पर अब मैं वैल्यूज़ ले लेती हूँ, 5, 3, 1, 2, और लिस्ट में हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो हम यहाँ पे डिक्शनरी नहीं कर रहे हैं. तो ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी. अब मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ ली, ऊपर भी 4 वैल्यूज़ हैं. इंडेक्स मैंने दिया नहीं है तो दोनों का बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3 है. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट, और यहाँ पे अगर मैं करती हूँ
एस वन प्लस एस टू, और यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो गई है, जैसे 2 + 5 = 7, 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9 एंड 3 + 2 = 5। ये तो हो गया क्योंकि दोनों के इंडेक्स सेम थे, लेकिन अगर मैं इंडेक्स में कुछ चेंज करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया इंडेक्स इक्वल्स टू, जो वैल्यूज़ है बाय डिफ़ॉल्ट वाली वो तो मैं कुछ तो रख रही हूँ 0, 1, 2, और जो लास्ट वाली वैल्यू है मेरी उसको मैं कर देती हूँ ए, यानी मैंने इंडेक्स में कुछ चेंज कर दिया है। तो आप देखो जहाँ तक इंडेक्स मैच हो रहा है वहाँ तक तो वैल्यू आपकी सही आ गई है, टोटल हो ही गया है, लेकिन जहाँ पे मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे NN वैल्यूज आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं नॉट अ नंबर वैल्यू, क्योंकि ये इससे वैल्यू मिली नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था आपका पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन विद सीरीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा अगर आपको लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जितना आप शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे उतने ही काफ़ी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर नाउ।